हेलो। हाँ, ये मेरे एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इस साइड शोरूम से नियर बाय निकल रहा था, तभी मेरे को ये नज़र पड़ी कि ये जो XUV700 है वो लॉन्च हो रही थी। ठीक है, तो तुरंत मैंने वीडियो शूट कर लेता। एक्चुअली ये जबलपुर के महिंद्रा शोरूम का, और उधर के जो मतलब एम्प्लॉय थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने तुरंत मेरी मदद भी करी वीडियो शूट करने में। ठीक है, ये गजब का है। मतलब अगर कि आप गाड़ी का फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं ना, अगर कि आप फॉर्चुनर देखना चाह रहे हैं या टाटा सफारी देख रहे हैं, तो भाई सर प्लीज़ यार, सही में कसम से मत देखो उसको। XUV777 पे आप शिफ्ट हो जाइए। मतलब ऑसम गाड़ी यार। मतलब जो फीचर दिए हैं, उन जो आपको फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जो लिमिटेड रेंज प्राइस रेंज में, वो माइंड ब्लोइंग यार। मैंने बहुत से कस्टमर को देखा था, जो लोग था अपना पैसा एंडेवर में फंसा रहे हैं 35 लाख की, और अपना जो 35 लाख से 45 लाख तक जो पैसा है वो अपने एंडेवर फॉर्ड एंडेवर में फंसा रहे हैं, जो कंपनी अभी प्रेजेंट में है ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ में आपको पैसा ना फंसा के आप एक बार जो महिंद्रा की XUV777 हो, आप उसमें विजिट करिए, शोरूम में विजिट करिए, और एक बार उसको आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, गजब का लेग रूम है उसमें, गजब का हेडरूम है यार। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे, देखो बंदे एक पिट का अच्छा हेल्दी बंदा था, और उसके अच्छा खासा उसको स्पेस मिल रहा है, तो टायर भी अच्छे खासे बड़े हैं। और आप ये सामने देख रहे हैं जो इसका लोगो है ना, वो पूरा टोटली चेंज हो गया है, जैसे बटरफ्लाई टाइप का लग रहा है, और जैसा मार्च वेलो था ना एंड्रॉयड में आता है, समथिंग उस टाइप का लग रहा है। जो प्रीमियम जो फ्रंट ग्रिल्स दी है, मतलब और उसका एनहेंस कर रही लुक को। ठीक है, एक तो वो तरीका होता है, जब आप टाटा सफारी ले जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई टाटा हैरियर का ही कहीं ना कहीं आपको फील होएगा, बट XUV700 में आप बैठेंगे ना तो आपको XUV500 का फील नहीं होएगा, आपको ऐसा लगेगा कि भैया महिंद्रा की एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है। ठीक है, तो अगर कि लोग अगर इसको, ठीक है मैं मान भी रहा हूँ, अगर कि 12-13 लाख से इसका प्राइस भी चालू हो रहा है और 5 सीटर में, तो ऑसम है यार। ठीक है, और आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 20-25 तो जाएगा इसको ऑब्वियसली यार। इसका जो 7 सीटर है थोड़ा महंगा ही रहेगा, जो ये मेरे जो शूट कर रहा था ये टॉप मॉडल था और पूरा ऑटोमेटिक था। ठीक है, जैसे इसका आप देखिए साइड में से इसका जो बैजिंग है दे दिए, जिसमें जैसा अपन बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर यूज हुआ रहता है, वो इसमें आपको पूरा बैजिंग का मतलब इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, ये इमिडिएटली मैं वीडियो शूट कर रहा था और इसलिए मैंने तुरंत अपलोड कर दिया है, तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप उसके लिए सॉरी फॉर देम। बट आप इसकी सीट का कुशनिंग देख लीजिए हैं, पियानो फिनिश में इसका पूरा हैंडल का साइड में दिया है, और क्रोम फिनिश का लाइनिंग दिया है जो उसको एनहेंस कर रही है लुक को। ठीक है, हाँ इसमें आप देख लीजिए, हाँ, और सी पीछे था रियर वेंट भी, एसी वेंट भी दिया है इसमें, और मतलब जो लास्ट में जो सीट है ना उधर भी दिया है, और आपको पीछे वाले में भी दिया है, साथ ही साथ एक USB पोर्ट दिया है और एक मोबाइल चार्जर करने के लिए, और साथ ही साथ एक मोबाइल स्टैंड भी दिया, मतलब होल्डर दिया आप बोल सकते हो, कुछ कॉइन ऑयल भी रख सकते हैं। हाँ यह है कि देखो पीछे अगर कि 5 फिट का बंदा है, 5.5 फिट का या बच्चे हैं तो आराम से उसमें बैठ सकते हैं, बट 6 फिट के ऊपर से नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं उसको डिफ़िकल्टीज आएगी। ठीक है, या आप देख लो वाइट वाइट कलर का देख रहे हैं ना, वुडन फिनिश टाइप का, यह था कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से। आप देखोगे ना ब्लैक कलर का डोर है, उसमें वाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन दिया है ना, तो ये लुक का था बहुत इंप्रूव कर रहा है। ये देखिए लेदर फिनिश में देखिए दिया है, और मेरे सबसे बेस्ट इसकी स्क्रीन वही लगी है, जो डैशबोर्ड की जो स्क्रीन है ना, मतलब इन्हें क्या करा है, जो स्टीरियो सिस्टम का स्क्रीन है, और अपना क्या बोलते जो अपना स्पीडोमीटर और टैकोमीटर है सब इसके साथ इन्वॉल्व कर दिया है इसको एक ही सिंगल फ्रेम स्क्रीन में, तो थोड़ा एक प्रीमियम नेस टाइप का देता है कि हाँ भाई एक नंबर से एक स्क्रीन गया है जो इनिशियल से लास्ट तक गया है। ये देखो पैनारोपिक सनरूफ है, और सनरूफ तो अच्छा खासा है, मतलब इसका लेंथ बहुत अच्छा खासा है। आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपके ड्राइवर सीट से लेके जो आपका पीछे वाली सीट का पैसेंजर है उसके उधर तक जाता है। ठीक है, और अच्छा खासा स्पेस दिया है इसको, स्काई सनरूफ भी बोला गया है, और ऑटोमेटिक का ये तो आज का कॉमन चीज़ है, AC कंट्रोल, और ये अपन का अपने स्टीयरिंग में भी कुछ फंक्शंस दिए हैं कि आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और रोड असिस्ट तो सब तो कॉमन चीज़ है आजकल, तो 8-10 लाख की गाड़ी 8-10 लाख में रेंज में आने लगा है, तो इसमें भी आराम से आ रहा है। ठीक है, और हाँ आप बाकी देखिए टॉप मॉडल है, बाकी इसमें कुछ अपन बोलेंगे तो नहीं कि भाई इसमें कुछ लैग है, बाकी अच्छा खासा देखो आपको लैग रूम देख ले, और जो बंदा है भाई वो 6 फिट समथिंग मतलब 6 फिट के ऊपर का ये है, और हेल्दी खास है, अच्छा अच्छा हेल्दी है, और जब भी अच्छा खासा उनको रूम भी मतलब लेग रूम में मिल गया और हेड रूम में मिला है। ठीक है, और जो व्हाइट कलर का ये दिया है ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे अपन उसमें देखें टाटा सफारी में समथिंग उस टाइप का फील हो रहा है, जैसे उन्होंने कैप्टन सीट दिया था सिमिलर इसमें, और इसमें सेपरेट दोनों की भी लाइट दिया है। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर का ही पियानो फिनिश में पूरा अंदर इंटीरियर दिया है, और इसमें क्रोम फिनिश दिया है, और वही इको सिस्टम ये सब तो इसमें दिया है, और ये अपना हैंड रेस्ट हो गया है। ठीक है,
तो मैं इसको वीडियो को तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, तो आई थिंक हो सकता है कि आगे के वीडियो में मेरा साउंड ना हो, मैं उसमें म्यूज़िक कर सकता हूँ, तो आप इन्जॉय करें वीडियो को। हाँ ये देखिए कुछ कॉइन होल्डर है, कॉइन वॉइन के लिए स्पेस है, और कप होल्डर है, ये एसी वेंट है सबसे लास्ट वाले के लिए, ठीक है, और सब पर्टिकुलर जो पैसेंजर उसके लिए एक हैंडल दिया गया है। कुछ फ्रेम का इशू आ सकता है तो उसके लिए सॉरी फॉर देम, एक्चुअली इमिडिएटली वीडियो अपलोड करने के चक्कर में थोड़ा मैं इसमें फ्रेम सेट नहीं कर पाया कैम में। ये देखिए सनरूफ ओपन हो रहा है, अच्छा खासा सनरूफ है यार, मतलब मज़ा आ जाएगा। मतलब एक तो वो होता है कि आप छोटा सा सनरूफ ले लीजिए, फिर दूसरा ये अच्छा खासा होता है, आप दो तीन जने बंदे इसमें निकल सकते हैं। ये प्रीमियम, एक बोलेंगे ना प्रीमियम सेगमेंट टाइप का लगता है गाड़ी का, ऐसा फील नहीं होगा कि भाई वही घिसी पिटी की एसयूवी आ रही है और उसमें अपन बैठ गए हैं, अच्छा खासा आपको फील देगा। और देखिए ना ये जो लाइट जल देख रहे हैं ना, एलईडी लाइट वाइट कलर का, ये पर्टिकुलर रहता है, हर एक पीछे भी दिया है और सामने भी दिया है, और जो मिडिल सेगमेंट की सीट है उसमें भी दिया है, ठीक है। ऊपर से जो मैं स्पेस दिखा रहा हूँ उसमें अच्छा खासा मिल रहा हो, और थोड़ा ये सब स्प्रिंकल्स है आप देख रहे होंगे, ये ऊपर का था रूफ रेल्स भी है, रूफ रेल्स में क्या ऊपर से आपका एबीएस मटेरियल्स है और अपना क्रोम फिनिश दिया है। ये देखिए जैसा, ये फोटो वोटो शूट हो रहा था इसलिए सब लोग थोड़ा लगे थे, सब लोग देखने के लिए, और बटन स्टार्ट तो ऑब्वियसली हो ही गई। बाकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बुक जिसने पहले से कर ली होगी तो आई थिंक कल उनको अवेलेबल हो जाएगी, और नवरात्रि आई थिंक परसों आ रही है, तो इसी वजह से आज टाटा पंच लॉन्च हुई है, और कल से इसका ऑफिशियल, देखिए आज तो ऐसा था कि कुछ गिने चुने लोगों के लिए लॉन्च था, बट कल से जो जनरल पर्सन है इन जनरल सबके लिए ये ऑफिशियली अलाउड हो जाएगा बाय, और आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए एक गजब का टच स्क्रीन यार इसका, मतलब फील आएगा कि हाँ भाई कुछ गाड़ी लिए तो क्या है, आप फॉर्चुनर जैसी गाड़ी में बैठेंगे, बट फॉर्चुनर के पास क्या है, एक बैजिंग है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है गाड़ी में, ठीक है। और अच्छा उसमें यहाँ तक आप देखेंगे कि फॉर्चुनर में आपको सनरूफ तक नहीं आ रहा, मतलब आप 45,000 रुपये लगा रहे हैं गाड़ी में और आपको सनरूफ फील नहीं हो रहा है, तो आप क्या मतलब ऐसी गाड़ी लेने का यार। ये जो गाड़ी अवेलेबल थी ये ब्लैक कलर में थी, तो ब्लैक कलर का शूट हुआ है पूरा। ये आप सब देख रहे थे इसलिए कोई को अपन मना नहीं कर सकते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये सनरूफ का थोड़ा ये दिक्कत है, इसमें सनरूफ पूरा नहीं जाएगा, मतलब इन्हें जो भैया थे उनने बताया कि सनरूफ है ना, मतलब ड्राइवर सीट से के हेड से लेके जो पीछे जो पैसेंजर है उसके नी तक आएगा, मतलब इट मीन्स आपको थोड़ा आगे शिफ्ट होके खड़े होके होना पड़ेगा, और जो टायर प्रोवाइड कर रहे हैं MRF के हैं। ये आप साइड में देखेंगे जो क्लैडिंग दी है ना, ये पूरी था अपन को ABS मटेरियल के प्लास्टिक ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी है, ठीक है। ये तो इससे क्या होता है, जो गाड़ी का जो बल्किनेस है ना वो फील होता है, और आपने तो देख ही लिया था वो बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में, जो इसका हेलोजन है उसको LED DRL से कनेक्ट कर दिया गया है, बाकी इसका प्लेट स्किड प्लेट दी है इसमें, टॉप मॉडल है तो ऑब्वियसली पूरा एनहेंस है लुक में। तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी, ऐसा नहीं है कि आप भैया कहीं ऐसे ऊपर खबड़ जगह में लेके नहीं जा पाएंगे, तो ठीक है। बाकी इसका एक वेल मैं सोच रहा हूँ एक पूरा वीडियो बनाऊँ जहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन, बट आपने भी देखा होगा ऐसे वीडियोस आ चुके हैं, एक्चुअली शोरूम में लॉन्च हो रहा था इसलिए मैंने ऐसे वीडियो शूट करा है शोरूम वाला। बाकी LED DRL आप देखिए, देखिए ये जो इसका आप पुरानी XUV500 में देखेंगे ना, तो ऊपर का जो LED DRL और जो हेडलैम्प है ना उसका था नीचे की इंडिकेटर से उसको कनेक्ट कर दिया गया है, और देखिए आप इसमें देखेंगे ना लोअर विंडो गार्निश में, तो उसमें इसमें क्रोम का ये क्रोम फिनिश यूज़ हुआ है, ठीक है, आपको बैक से लेकर मतलब इनिशियल तक, बट आपको तो ऐसा ऐसा नहीं लगा कि बहुत मतलब ओवर है, बहुत ज़्यादा बहुत गजब का लग रहेगा, जैसे आप ब्लैक में थोड़ा सा अपन देते ना प्रीमियम लाइनिंग उस टाइप का दिया है, और देख रहे हैं आप पीछे जो 7 सीटर में है उसमें हेडरेस्ट भी दिया है पर्टिकुलर पैसेंजर्स के लिए, और ये जो ईगल टाइप के इनके शार्प नोच है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी का, जो आप देखोगे ना इसका हेडलैम्प पीछे वाले, और ये तो भाई ऑसम है, सबने देख ही लिया होगा, ये डोर हैंडल्स है, बट इसका यही है कि भैया कल के दिन गाड़ी इंडियन जो रोड साइड है उसमें आपने देखा ही होगा, ये वाइट वुडन फ्रेम में आपको दिया है पूरा इसमें डोर के जो हैंडल्स, उसमें ये देखिए मैंने बोला था ना लास्ट में भी LED प्रोवाइड कराई है लाइट्स की, ये पावर सॉकेट है ये। हो सकता है कुछ आपको वीडियो फ्रेमिंग में दिक्कत हो, क्योंकि इमीडिएट ये रिकॉर्डिंग की गई था जो मेरा मेन मोबाइल तो उससे नहीं हुआ है, ये शार्प इन जो बॉडी कलर में उसमें दिया गया है एंटेना,
और ये रूफ रेल्स ऊपर से अच्छा खासा लगता है। ऊपर से मज़ा आप देखोगे ना ऐसा फील नहीं होगा कि एक एक होता है कि गाड़ी में आपको एक मैंडेटरी कर दिया ना जैसे, तो एक उन्हें नाम भर के लिए सनरूफ दे दिया, तो नाम भर के सनरूफ नहीं है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर कि आप कहीं लद्दाख वद्दाख में जाएँ ऐसी जहाँ पर ग्रीनरी है, बड़े बड़े प्लांट है, तो उधर अच्छा खासा आपको फील होएगा। और अगर गाड़ी बल्कि है आपको ऐसा नहीं होगा कि आप गाड़ी लेंगे तो ऐसा एक तो वो स्लीक डिज़ाइन नहीं है इसका, थोड़ा ये आप बोल सकते हैं कि इसका थोड़ा बल्किनेस है। ये देखिए नॉश जो दिए ना इसमें, और ये मेरा क्रोम फिनिश है गाड़ी का, ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ओ आर बी एम्स हैं सब बॉडी कलर में जो आपको मिलते हैं, साथ में इंडिकेटर्स दिए हैं, ये बॉडी क्लेडिंग है ब्लैक कलर में दी है। अभी गाड़ी में अभी तो शोरूम में एक ही गाड़ी प्रोवाइड थी, और ये सब ये देखिए ये गजब का लगता है यार ये। इसमें ये जो मैं इसमें ढूंढ रहा था ना, एक्चुअली मैं इसमें बटन देख रहा था कि इसमें बटन कहाँ है, तो मेरे को तो नहीं मिला, आई थिंक हो भी सकता है इसमें बटन तो होएगा, बट मेरे को बटन नहीं मिल रहा था, तो वही जब इसको नीचे ड्रैग करना था तो उसी में से होल्डर दिया, उसमें से ड्रैग करके खींच के बंद करा इसको। ये फिनिशिंग तो गजब की दी है, मतलब महिंद्रा इनक बोलते हैं ना फीचर के लिए मानी जाती है, तो फीचर तो भरपूर है। आप जैसा एल्ट्रोज देखेंगे तो जैसा लगा था ना शू में गाड़ी इनने लॉन्च करी फुल फीचर के साथ, आप एमजी की देख लेंगे ठीक है, तो महिंद्रा भी अच्छा काम कर रहा है, जैसे थार का उनके साथ करा, तो एक बोलते एक तो चीज़ होती फेस लिफ्ट, तो फेस लिफ्ट तो बिल्कुल नहीं है एक्सवी 500 का, ये फुल अपन का बोलते हैं ना फुल पूरा एक रीबिल्ड या बोलेंगे रियलाइव फिर से जिंदा होके आ गई गाड़ी, उस टाइप का है ठीक है। कहीं ना कहीं लोग उसको भूल गए थे एक्सवी 500 को, और टाटा के ऊपर मूव ऑन कर रहे थे, अब वो टाइम आ गया फिर से जो एक्सयूवी की तरफ मूव ऑन हो रहा है। कुछ ही फीचर्स दिए हैं बॉक्स में, स्काई रूफ है, और आपको जो डैशबोर्ड में कोई कंट्रोल सिस्टम ये सब दिया है, जो इनका अडास है वो तो भाई ऑब्वियसली आपने एक दो महीने से पहले से हो रहा है रिवील हो रहा है, तो आपने देख लिया होगा अडास का क्या फंक्शन है। बाकी ये है एक अच्छा खासा स्पॉइलर भी दिया है, तो गाड़ी को और पीछे से ऐसे खींचा खींचा